अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कोतवाली गेट के पास बने छायाग्रह पर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम संबोधित किया तहसीलदार भोपाल सिंह को दिया, जिसमें कहा गया कि जनपद फरुखाबाद के थाना शमशाबाद के ग्राम कसरौली में निर्मम आकांक्षा हत्याकांड के मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पीड़ित परिवार को आरोपियों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, जिससे परिवार भयभीत हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की गई कि समय रहते आरोपियों की तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए, परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और आर्थिक मदद दी जाए। छात्रा की जो है हत्या की गई थी, उस विषय में आप लोग सुनना दिए बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसको लेकर उसकी जांच हुई है, उसकी पूरा रिपोर्ट हो, उसके परिवार को जो धमकियां मिल रही हैं उसके लिए प्रशासन उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे, वरना ये छात्र संगठन बहुत संगठन है, ये कुछ भी कर सकता है। हम खुद में सक्षम है, स्वयं में हम लोग एक शक्ति प्रदान है। छात्रा के लिए उसे न्याय मिले और उसकी जांच की पूरा कार्रवाई की जाए। प्रशासन शांत ना बैठे, 6 दिन हो गए अभी तक काम कोई भी नहीं हुआ, अभी तक 6 दिन में एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है और खुलासा हुआ 5 लोग हैं, 5 लोग की गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसे गिरफ्तारी की जाए वरना हम लोगों से सताया जाए, हम लोग खुद सुरक्षा समय में घर से निकाल लाएंगे हम लोग, और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और फांसी दी जाए। संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। कल प्रभारी शमशाबाद जी से भी हम लोग मुलाकात रात में करने गए थे, अभी तक वो रिपोर्ट किसी और के हवाले कर देते हैं, कभी किसी और के हवाले कर देते हैं, संतोषजनक कोई भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। उसको हल्के में ना लिया जाए, हल्के में डाल दिया उन्होंने बिल्कुल, और जिसके अंडर में ये केस था पहले प्रभारी जी का, उनका तबादला हो चुका है और उनको भेज दिया गया है, और उन्होंने कहा हम लोग गए हुए थे, सभी टीम हमारी गई हुई थी पूरी रात में, एक एक आदमी उनसे बात की है, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि एकदम जल्द से जल्द कार्रवाई हो, दोषी को पकड़ा जाए तुरंत, हम यही बस हमारी मांग है। हम तब तक नहीं उठेंगे यहाँ अनशन से जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी और दोषी कोतवाली में जब तक नहीं आ जाएगा तब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ से। आज यहाँ पे एबीपी स्टूडेंट अनिश्चितकाल हड़ताल बैठे हुए हैं, इससे आप क्या बोलेंगे? ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं आकांक्षा के जो दुखद घटना हुई उसके साथ में उस पीड़ित परिवार को शासन की तरफ से मदद, जो भी निष्पक्षता से जांच हो। ये जाति परिषद के बच्चे कई दिन से कई भूख हड़ताल पे कैंटीन मार के बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये तो इनका कहना ये है पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और इनका ही क्या जितने भी लोग हैं सब लोगों की यही कहना है कि उस परिवार को सांत्वना के साथ साथ आर्थिक मदद भी मिलना चाहिए और न्याय भी मिलना चाहिए। हमारे सीएम योगी कह रहे हैं कि न्याय में कोई देरी नहीं है, फिर भी लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं, इसीलिए तो आज ये धरना हो रहा है। अच्छे दिन धरना चल रही है और